बड़ी खबर है, लेक सिटी में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर चुका है। लोग परेशान हैं, पानी निकासी की व्यवस्था यहां पर जो थी वो पूरी तरह से डगमगाती हुई दिख रही है। जो नगर निगम के दावे हैं उसकी पोल खोलती हुई दिख रही है तस्वीरें, और रिहायशी इलाकों में भी पानी लगा हुआ है। लगातार बारिश की वजह से लेक सिटी में नगर निगम के जो दावे थे वो खोखले साबित हुए। देखिए, कई हिस्सों में पानी लगा हुआ है और एक एक फीट तक पानी कई हिस्सों में लगा हुआ है। लोग परेशान हैं और घरों में भी पानी जाने की यहां पर स्थिति बनती दिख रही है। नगर निगम लगातार जो दावे किया करता था, उन दावों की पोल खुल गई है। निकासी व्यवस्था जो पानी की, देखिए किस तरह से लोग परेशान हैं, अपने सामान को शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट करने के लिए मजबूर हैं, घरों से दुकानों से पानी बाहर निकाल रहे हैं, और लगातार लोगों की परेशानी जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। लेक सिटी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी दिक्कतें, कितनी मुसीबत लोगों के लिए बारिश लेकर आई, और दूसरी तरफ नालियों की सफाई नहीं हुई, निगम ने उचित प्रबंध नहीं किया, व्यवस्थाएं इंतजाम मुकम्मल नहीं की गई। इसी वजह से अब ये जो तस्वीरें सामने आई हैं कि पानी लगा हुआ है, जल जमाव की स्थिति है, रिहायशी कॉलोनी से लेकर मेन रोड तक पर भी एक एक फीट तक पानी कई इलाकों में लगा हुआ है। देखिए किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है लेक सिटी से, लोगों के लिए लगातार परेशानी का सबब बारिश बन चुकी है और साथ ही जल भराव की स्थिति ने भी लोगों को परेशान कर दिया है। नगर निगम के दावों की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें देखिए, एक एक फीट तक पानी लगा है, घरों में पानी जा चुका है, दुकानों में पानी घुस चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। प्रताप, निगम के अधिकारियों का क्या कहना है, इतनी बड़ी लापरवाही, कोरोना काल में लंबा वक्त भी था लेकिन कोई प्रबंध, कोई इंतजाम नहीं दिखा। देखिए बिल्कुल, ये सिर्फ आज की तस्वीर नहीं, आयुष, लगातार जब जब भी उदयपुर में इतनी तेज मूसलाधार बारिश होती है तब इस तरह का आलम जो है उदयपुर शहर की सड़कों पर देखा जाता है। शहर की कई कॉलोनियां जो है वो जलमग्न हो जाती है, साथ जो प्रमुख चौराहे हैं उसके ऊपर भी पानी भर जाता है। ऐसे में दुपहिया वाहनदारी हो, चार पहिया वाहनदारी हो या फिर अन्य जो लोग हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ता है। नगर निगम लगातार दावों की बात करता है कि हमने जो है वो पुख्ता इंतजाम मानसून को लेकर कर रखे हैं, मानसून का अगर तेज बारिश होती है तो पानी की निकासी की व्यवस्था सही कर रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं दावों की पोल जो है हर बारिश में खुलती हुई नजर आती है, इस तरह की तस्वीर हमेशा आती है। लेकिन कह सकते हैं कि जो नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उदासीन है, उनका उदासीन। प्रताप, एक तरफ सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ इतनी बड़ी लापरवाही। निश्चित रूप से उदयपुर शहर जो है उसे एक टूरिस्ट सिटी के रूप में भी देश में दुनिया में पहचाना जाता है, और ऐसे में इस तरह की तस्वीरें जब जाती है उसका विपरीत असर जो है वो पर्यटन व्यवसाय के ऊपर भी पड़ता है। लेकिन अब चूंकि बारिश हो चुकी है, पानी सब तरफ बढ़ चुका है, निकासी अपने स्तर पर, पानी अपने अपने हिसाब से निकल रहा है, लेकिन अब भी ठीक जो है वो कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारी जो है उन्हें। प्रताप, इसके पहले तक अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, उसका नतीजा हम देख रहे हैं, लेकिन क्या अब पानी निकासी का कोई इंतजाम किया जा रहा है, वहाँ पर इंजन या मोटर लगवाकर पानी खिंचवाने की कोशिश की गई क्या? देखिए, अपने अपने स्तर पर जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपने अपने इलाकों में लगे हुए हैं, कई कॉलोनियां जलमग्न है, लेकिन जो हर बार जो ये स्थिति पैदा होती है उससे किसी प्रकार की आयुष जो वो ठीक नहीं ली जाती है, इस कारण से इस तरह की समस्या जो है वो बदस्तूरधारी है जी। चलिए प्रताप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लापरवाहियां दिख रही हैं, लापरवाहियों का खामियाजा आम जनता भुगत रही है।